हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर वीडियो। कभी तो हार्ड वर्क ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आप लोग ले रही हूँ एक न्यू वीडियो। तो ये है फेशियल। तो आप लोगों को क्रीम वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, और आप लोगों को जो घर में अवेलेबल होते हैं तो उसी चीज़ से मैं आप लोगों को फेशियल बताऊँगी फ्रेंड कि फेशियल कैसे करना है। और आप लोगों का फेस होता है जो डेड स्किन वगैरह होती है आपके फेस की, और जो हमारा ये जमी हुई परत होती है, क्या होता है हमारा फेस ना इतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है डेली डेली। हम लोग जल्दबाजी में ऐसे सो जाते हैं रात के टाइम, तो हम लोग अपने फेस का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है तो मैं आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ, और इसको फॉलो करना मेरे हिसाब, ठीक है। स्टेप बाई स्टेप मैं बताती रहूँगी आप लोगों को। जो लोग भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है दूध, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दूध लिए हैं। तो ज़्यादा दूध भी नहीं लेना है, आप लोग दूध ले लिया है तो इसको क्या करना है हम लोगों को 2 चम्मच दूध लेना है आप लोगों को। तो ज़्यादा भी वेस्ट नहीं करना है, इतना लेना है जितना आपको यूज़ में आ जाए फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया मैंने कॉटन, तो इस कॉटन से क्या करना है, ये कॉटन बहुत हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए। तो आप लोग कॉटन ले लेनी है, दो देख लेना आप लोग। तो आप लोगों के करने फ्रेंड कॉटन ले लेनी है, तो ये कॉटन ले लिया मैंने, तो इसे मैंने बिगाड़ लिया है, ठीक है। और आप लोग ये डेली किया करो नाइट के टाइम पे, तो आप लोगों का फेस एकदम से ग्लो करने लगेगा। एंड इससे क्या होता है आप लोगों की स्किन जो डेड स्किन वगैरह है आप लोगों की, वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो इसे स्टेप बाई स्टेप करते हैं। तो आप लोगों को ऐसे रब करना है इसे, तो इससे आप डेली वे भी कर सकते हो फ्रेंड। तो ये कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। मिल्क तो बहुत ही अच्छा होता है ये हमारे फेस के लिए, तो देख सकते हो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कितनी मेरी जो गंदगी है फेस की वो निकली है। और जो आप लोग डे में प्रोडक्ट लगाते हो तो रिमूव भी कर सकते हो इसी से ही, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे आप लोगों का। एंड ग्रो भी स्किन रहती है आपकी, और शाइनिंग वगैरह सब रहती है। तो देखो मेरी स्किन अभी से चमकने लगती है, देखो अभी तो मैंने शुरू भी नहीं कराया है, आप डेली डेली करना है इस वे पे। तो जो डार्क सर्कल वाले एरिया में भी करना है आप लोग अच्छे, जो ये आइस के नीचे होता है ना वहाँ पे आप लोग काजल वगैरह लगा देते, इससे यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से करना है। जो हमारी है ना डेड स्किन यहाँ से हट जाए फ्रेंड, ये तो ज़्यादातर हमारी डेड स्किन वगैरह होती है। फिर क्या करना है आप लोगों को, अब नोज की साइड में भी रिमूव कर देना है ये सारे आप लोग। इसमें एलोवेरा जेल भी मिला सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो हुई कैसी हो गई है मेरी कॉटन, तो कितना मेल था मेरे फेस पे देख सकते हो। नेक तो जरूर करना है फेस अलग एंड नया कलर, तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखो कितनी गंदी भी निकल रही है कर दूँ पूरी। आप लोगों को कच्चा दूध ही लेना है फ्रेंड, उबला हुआ नहीं लेना है। देख सकते हो कितनी गंदगी निकल रही है इससे, तो मैं इसे ना अपना जो गंदा वाला पार्ट है ना उसे ऐसे कर दूंगी, वॉश कर दूंगी इसे। ऐसा पकड़ के मैं अच्छी तरीके से अपना माथा साफ कर दूंगी। आपकी स्किन दूध की तरह चमकेगी इससे, दूध होता है ना सफेद।
में भी कर लेते हैं फ्रेंड, हाथ में भी बहुत हमारी गंदगी चिपक जाती है। आप लोगों को फेस बोलते हैं तो देख सकते हैं मेरी फेस कितना ग्लो कर रहा है, तो वो भी मैंने अभी फर्स्ट टाइम करा है, तो देख लो कितना ग्लो कर रहा है। मैं करते रहती हूँ ये चीज़ें, आप लोग भी जरूर करना फ्रेंड। अब मुँह धो लेना है इसको करने के बाद ही, ठीक है फ्रेंड, ठंडे पानी से हो सकता है तो। और इससे क्या होगा फ्रेंड, अगर आप डेली करोगे तो आपकी स्किन शाइनिंग एंड ग्लोइंग वगैरह होगी, आपकी स्किन निखार भी आएगा फ्रेंड, ठीक है, और डेड स्किन वगैरह रिमूव हो जाएगी। आप लोगों को कुछ और प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, जो आप लोगों के फेस के हार्मफुल होते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग घर की चीज़ें नहीं जितना हो सकता है उतना यूज़ किया करो, बाहर की चीज़ें उतना अवॉइड किया करो फ्रेंड, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नए नए वीडियो लाती रहूँगी, तो मैं मुँह धो के आती हूँ फिर बताती हूँ आप लोगों को। तो मैं फ्रेंड मुँह धो के आ गई हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ना आप कॉटन का ही टॉवल वगैरह लेना ही, रुमाल ले लेना, उससे ही आप लोगों को ऐसे टैप टैप करके पोंछना है, ऐसे रगड़ा मत करो फ्रेंड, ठीक है। और हमारा फेस होता है ना, आप लोग ऐसे करा करो आराम आराम से ऐसे साफ करना चाहिए, हम लोगों को रगड़ के नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी स्किन होती है ना मुँह की, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप लोगों की ना स्किन बहुत ज़्यादा वो होती है, तो प्लीज़ आप लोग रगड़ा मत करो इसमें, ठीक है। आप लोगों के निशान वगैरह पड़ सकते हैं, तो आप लोग हल्के हाथों से ही करना। और ये रुमाल होता है ना, इसे कान के पीछे से भी ऐसे साफ कर देना फ्रेंड, तो जैसे हमारे कुछ लगा होता है कानों में धूल मिट्टी जम जाती है, तो वो भी साफ हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग बताना कि ये मेरा तरीका कितना अच्छा लगा आप लोगों को फ्रेंड। अब मेरी आप लोग स्किन देख सकते हो कितनी ग्लो कर रही है फ्रेंड, देख लो, ऐसा लग रहा है मैंने क्रीम वगैरह यूज़ करी है, बट मैंने अभी कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करी है। आप लोगों को मैंने दिखाया है लाइव कि मैंने मुँह धो के आई थी एंड पोस्ट भी लिया, तो देख सकते हैं मेरा फेस का लुक।